सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी दो बड़े मुद्दों पर हम बहस करेंगे। वक्त इस वक्त जो सवाल पूछना है वो ये है कि यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या पर सेक्युलर राजनीति करने वाले खामोश क्यों है, और शाम 6 बजे ताल ठोक के हमारा सवाल रहेगा क्या कश्मीर में सेना की दुश्मन बन गई है महबूबा सरकार। लेकिन इस वक्त यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा में शामिल रहे चंदन गुप्ता की हत्या के आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन चंदन को इंसाफ दिलाने के लिए राजनीति सक्रिय नहीं दिख रही है, सियासी चुप्पी है। हैशटैग भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर अपनी राय जरूर भेजिएगा। इस मामले में दो दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि कासगंज में जो हुआ उसमें तिरंगा यात्रा के लिए निकले बाइक सवारों की ही गलती थी, क्योंकि उन्होंने बाइक रैली बिना इजाजत निकाली और उन्होंने ही उकसाने की कार्रवाई की। हालांकि रैली निकालने वाले एबीवीपी और वीएचपी की दलील है कि इस यात्रा का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा जा रहा था। यह भी कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कुछ लोग इसके विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जी न्यूज ये प्रमाणित नहीं करता कि इनमें से कौन सही कह रहा है और कौन गलत, ये जांच का विषय है और हम भी उस जांच के कंक्लूजन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये तो सच है कि इसमें एक युवक की जान गई। शाश्वत सत्य, ये वही देश है जहां यूपी के ही दादरी में अखलाक की हत्या को यह कहकर प्रचारित किया गया कि देश में असहिष्णुता हावी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया गया। जांच का नतीजा आए बगैर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर राजनीति की गई। ट्रेन में सीट के झगड़े में जुनैद नाम के युवक की हत्या पर यह कहा गया कि देश में मुसलमान निशाने पर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि सेक्युलर राजनीति सिर्फ वोट बैंक के आधार पर तय करती है कि उसे कौन सा मुद्दा उठाना है और किस पर चुप्पी साधनी है। आखिर दादरी के अखलाक और कासगंज के चंदन के मामले में ये राजनीतिक पक्षपात नहीं तो और क्या है? और इसीलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि अवार्ड वापसी गैंग को चंदन की हत्या नजर नहीं आती है? कासगंज के हत्यारों को बचा रही है सेक्युलर ब्रिगेड? चंदन पर खामोशी सियासी असहिष्णुता नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान समर्थकों ने चंदन की हत्या की, ये बड़ा सवाल। यूपी में तिरंगा यात्रा का विरोध देशद्रोही साजिश है क्या? इन सारे सवालों के इर्द गिर्द ही आज की ये डिबेट रहने वाली है। बहुत बड़ा पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यहाँ तो इस देश में एक खास वर्ग ही खड़ा हो गया, खास तरह के लोग पैदा हो गए हैं जो एक खास मामले में अवार्ड वापसी करते हैं, अखबारों में करते हैं, प्रैक्टिकली करते नहीं हैं। तो अब उनको तो अपने नज़रिए की आत्मसमीक्षा खुद करनी चाहिए। देशद्रोही तत्वों के बारे में पता नहीं कहाँ उनके अंदर कुछ सहानुभूति का घड़ा भरा रहता है और ऐसे मामलों को मौन साध जाते हैं, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे कन्नूर के अंदर एक स्वयंसेवक की हत्या हो। कासगंज में जो हुआ इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार है, कानून व्यवस्था बोल के कुछ आज उत्तर प्रदेश में नहीं है, यही हाल कासगंज में भी हुआ। तो कासगंज में सरकारी व्यवस्था ठीक होता, पुलिस के कानून ठीक होता, तो ये अवस्था नहीं होता। वहाँ तोड़फोड़ कौन कर रहा है? ये आरएसएस के लोग हैं, एबीवीपी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जिनके सामने पुलिस भी नतमस्तक है। पुलिस किस पर कार्रवाई करे, पुलिस किस पर लाठीचार्ज कर दे? तो सरकार करा रही है। उस घटना के बाद जो कुछ भी कासगंज में हो रहा है वो सरकार की वजह से हो रहा है। हुआ भी चल रहा है, तिरंगा भी चल रहा है। हुजूर क्या कर रहे हो मेरे मुल्क को? नफरत और बेमनस्य की दीवार खड़ी करके हमने 47 में देख लिया। इस मुल्क को चैन की सांस लेने दीजिए। आखिर इस देश के अंदर हिंदुस्तान का, भारत का, जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान का लगेगा? जो इस देश के अंदर रह करके पाकिस्तान परस्त हैं लोग, उनको फिर सोचना चाहिए कि उनको इस देश के अंदर रहना है कि नहीं रहना है। कि कैसे सरकार नफरत और बंटवारे पर लोगों को बांट रही है। कासगंज में हुआ जो वो निंदनीय है, इस प्रकार से समूहों का बंटवारा देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सही नहीं। मंत्रालय की तरफ से राज्य से क्या रिपोर्ट? देखिए, रिपोर्ट मांगने का सवाल नहीं। सामान्यतः जब कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो गृह मंत्रालय में रिपोर्ट आती ही है।
और इस वक्त हमारे साथ कुछ ही देर में मुझे ये पता चल रहा है कि महेंद्रनाथ पांडे जो है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी के चंदौली से लोकसभा सांसद है वो जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। वैसे अभी हमारे साथ डॉक्टर पात्रा संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, केंद्रीय समिति में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, 2003 में यूपीएससी ज्वाइंट मेडिकल सर्विस परीक्षा पास की थी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। प्रेमचंद मिश्रा साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी। वारिस पठान साहब एआईएमआईएम के नेता हैं, महाराष्ट्र के वायकुला में से विधायक है, बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, क्रिमिनल लॉ के विशेषज्ञ है। वारिस भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ग्रेटर नोएडा के दादरी में एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आम आदमी से भी जुड़े मुद्दों को अक्सर उठाते रहे डिबेट में, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान अहमद साहब डॉक्टर अहमद इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक मैरिज लॉ के विशेषज्ञ है, लखनऊ में वकालत करते हैं, क्रिमिनल लॉ के जानकार हैं, डॉक्टर अहमद आपका भी स्वागत है। विजय शंकर तिवारी साहब अब से कुछ देर में हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, भारतीय धरोहर पत्रिका के एडिटर इन चीफ भी है। शुरुआत में आप सबको डेढ़ मिनट का मौका मिलेगा और इसीलिए प्रेमचंद मिश्रा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कासगंज पर सियासी चुप्पी क्यों है सर आपकी? ये वो चुप्पी है जिसका ठीक ऑपोजिट या ये कहिए विलोम जो है हमें देखने को मिला था 2015 में जब अखलाक हत्याकांड, 2015 में एमएम कलबुर्गी के वक्त भी हमें यही देखने को मिला था, 2015 में गोविंद पंसारे में आप लोगों ने जो चुप्पी तोड़ी थी वो दिखी थी, 2016 रोहित वेमुला की खुदकुशी में भी आप लोग बहुत चीखते चिल्लाते नजर आए थे, कहां गई आज सेक्युलर ब्रिगेड? क्या गुप्ता इंसान नहीं है? देखिए मैं आपके इन आरोपों, एक तरह से आपने आरोप लगाया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अलग अलग घटनाओं की अलग अलग परिस्थितियां थी, जो कुछ भी कासगंज में हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे इस पूरे घटना की भर्त्सना करती है और चंदन जिसकी एक असामयिक मौत हो गई हिंसा की वजह से, हम उसके प्रति भी बहुत ही गहरी संवेदना प्रकट करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए मैं समझता हूँ आज 3-4 दिन के बाद मुख्यमंत्री जगे हैं और उन्होंने SIT गठन की घोषणा की है। आप माननीय राज्यपाल जी की टिप्पणी को याद करिए जो उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है, शर्म आती है, इससे बड़ी टिप्पणी सरकार के क्रियाकलाप पे नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के नज़र में इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की है, ये गलत प्रचारित किया जा रहा है कि वहाँ तिरंगा यात्रा को लोगों ने विरोध किया इस वजह से हुआ, ये गलत है। लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, एक वर्ग विशेष के लोग अपने इलाके में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, वहीं से एक जुलूस जा रहा था जो भगवा झंडा हाथ में लिए हुए था, हो सकता है उनके हाथ में तिरंगा भी हो, लेकिन प्रशासन कहाँ थी? एक छोटा सा शहर, 1 लाख की आबादी वाला शहर है, क्या प्रशासन नाम की चीज़ वहाँ थी कि उन्होंने क्यों नहीं ऐसे अरेंजमेंट किए कि इस तरह की घटनाओं को डाइवर्ट किया जाए या कोई जुलूस जा रहा है जिसे दूसरे रास्ते पर? मैंने आरोप लगाए बहुत सोच समझकर प्रेम जी, आरोप लगाए हैं इसलिए आरोप लगाना मुनासिब है क्योंकि जब रोहित वेमुला आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, गौरी लंकेश में पूरी ब्रिगेड एक हो जाती है। आज यहां टीवी पर आप सिर्फ एक चीज कहते हुए नजर आते हैं, एक बयान दे दिया, बात खत्म हो जाती। कासगंज क्यों नहीं पहुंचे? उनके परिवार से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? क्या वजह है? और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। अभी आपकी आवाज नहीं आएगी प्रेमचंद मिश्रा जी, डेढ़ मिनट आपके पूरे हो गए हैं, पूरा 1 घंटा मिलेगा, मुझे जवाब दीजिएगा। और ये सियासी चुप्पी है, इसके अलावा इसे और कुछ नहीं कहा जाता है। डॉक्टर पात्रा, आपके बड़े बड़े लीडर जो है ये कह रहे हैं ये घटना योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई, चंदन हमारा कार्यकर्ता था, ये राजवीर सिंह बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, राम नाईक तो आपने सुन ही लिया है, कलंक है ये यूपी पर। तो ये कलंक लगा कैसे? किसकी सरकार के रहते, किसकी नाक के नीचे 500 बाइक सवार पहुंच जाते हैं उस इलाके से? कहां थे आप लोग सब? रूबिका जी, दो पक्ष हैं इस पूरे विषय के। पहला पक्ष कानूनी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उस पर ऑफकोर्स डिबेट होना चाहिए और डिबेट हो भी रहा है। दूसरा पक्ष है किन कारणों से चंदन गुप्ता को मरना पड़ा, जिस प्रकार की रिपोर्ट टीवी में आई है और जो
चंदन के पिता खुद कह रहे हैं और मुझे लगता है पिता के बात को मानना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उनके बेटे ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, तिरंगा झंडा फहराना चाहता था, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगाए। अगर इन नारों को प्रोवोकेटिव उकसाने वाला कहा जाता है तो वाकई ये कलंक का विषय है कि वंदे मातरम कहने पर किसी को गोली मार दी जाए, तिरंगा झंडे को लेकर जाने पर, और मैं तो कहता हूँ अगर भगवा झंडा भी हाथ में था तो उसके लिए किसी को गोली मार दी जाए तो ये कलंक का विषय है। और बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है कि एक खास इलाके में, इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि महेंद्रनाथ पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के और कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और महेंद्रनाथ पांडे जी, मेरा सीधा आपसे सवाल ये है, ये हो कैसे गया उत्तर प्रदेश में? परमिशन नहीं थी तो ये 500 बाइक सवार उस इलाके से पहुंच कैसे जाते हैं? ये जो घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दिन गणतंत्र दिवस का अवसर था और आप अच्छी तरह जानती हैं गणतंत्र दिवस के दिन सब जगह सार्वजनिक आयोजन होते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन सार्वजनिक आयोजनों का एक स्वभाव सा है, उस रूप में राष्ट्रभक्त लोग गणतंत्र दिवस पर निकले और इस रूप में वो भारत माता की जय बोल रहे थे। अब कुछ दूषित प्रवृत्ति के लोगों ने जो चिन्हित हो गए हैं और प्रशासन ने लोकेट कर लिया है कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये चंदन गुप्ता पर हम के ऊपर गोली चलाई गई और उसके बावजूद मैं योगी जी की तरीके से, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी सर? इंटेलिजेंस आपकी है, पुलिस आपकी है, सरकार तो आप सुनियोजित हो रहा था और आपने होते रहने, सरकार ने पूरे रोका क्यों नहीं? सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे कैसे? लेकिन कहीं दूर से छत पर ये जो कृत्य किया गया सरकार ने उन्हें ढूंढ निकाला है और सरकार कानून व्यवस्था को कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही है। सर, मुलजिमात पकड़े जा रहे हैं और जो बच्चे हो गई, पकड़े जाएंगे, हत्या हो गई उस बच्चे की, अब तो आपको कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा ना, लॉ एंड ऑर्डर तो आपको अब मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप तब कहां थे, क्यों हाथ पर हाथ धरे यूपी सरकार बैठी रही? लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर रहे हैं मैडम, अब कर रहे हैं ना, इससे पहले क्यों नहीं किया? पूरे प्रदेश चंदन गुप्ता हमारे बीच में क्यों नहीं है सर? पहले जलूस के साथ पुलिस की एक साफ सुथरी अच्छा काम करने वाली सरकार के खिलाफ साजिशें दर साजिशें हो रही हैं। अरे सर, कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? जनता के बदौलत महेंद्र पांडे जी आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं, आप जानते हैं आप क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि सत्ता में हैं आप ऑपोजिशन में नहीं है, आप थोड़ी विक्टिम कार्ड खेलेंगे, पुलिस आपके अंडर है, इंटेलिजेंस आपके अंडर है। आप अपनी, आप दूसरे की बात भी सुनेंगे कि आप अपनी ही कहेंगी? सर, मैं आपकी सच में सुनती, पूरा एक घंटा सुनती, वन एंड वन इंटरव्यू करती मैं आपसे सर, लेकिन एक बच्चे की हत्या हो गई, कैसे हो गई हत्या यूपी में? तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। अभी कर रही हूँ सर, मुझे उस पर जवाब दीजिए आप। आपने परमिशन नहीं दी तो ये 500 बाइक सवार उस इलाके से कैसे चले गए? मैं तो जवाब दे रहा हूं लेकिन अब आप जवाब सुनने के बजाय बीच में ही टोक दे रहे हैं तो मैं कैसे पूरी जवाब अपना पूरा करूं? ठीक है सर, मैं इत्मीनान से सुनती हूं, जरा सुकून में सुनती हूं। बताइए आप, विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा, ये आपकी सरकार है, रखिए बात अब अपनी। कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, हमारी योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार बिना पक्षपात के वहां शासन कर रही है और काम कर रही है, कानून व्यवस्था पर पूरा कंट्रोल है। यह घटना जो घट गई उस पर तत्काल संज्ञान लेके पूरी कड़ाई बरती गई, पूरी तरह से दो ही दिन में सारी स्थिति नियंत्रण में है, सारे उपद्रवी पकड़े गए हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं और भी जो बचे उन्हें पकड़ा जाएगा, अमन चैन पूरी तरह कायम है, जो जिम्मेवार था उसे हटाया गया है और हम किसी को भी बकसने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूँ, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हुए हैं लेकिन मैं पुराना आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 91 में कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उसमें बनारस में एक दंगा हुआ, बनारस में सफ़ेद पोशों की आड़ में सारे दंगाई पहली बार ऐसे बेनकाब हमारी उस जमाने की भाजपा सरकार ने किया कि गरीब मजदूरों की तहखाने में हत्या करने वाले उजागर किए गए। इस बार भी हमने उजागर किया है, वहाँ पाकिस्तानी वहाँ पर ऐसे चीज़ें पकड़ी गई हैं, वहाँ सारे के सारे असलहे पकड़े गए हैं,
जो साजिश करने वाले ऐसे कुत्सित प्रवृत्ति महेंद्रनाथ पांडे जी, मैंने बेरोक टोक आपको सुना, मैं तो आपके माध्यम से आप ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहना चाहूंगा। हाँ कह दीजिए जल्दी कहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह समाज और किसी में भेद करके चलने का नहीं है। मैं तो उनसे भी अपील करूंगा, जो लोग समय समय पर अवार्ड वापस करने का, वो भी एक्चुअल में नहीं वापस करते थे, अखबारों में करते थे, मीडिया में करते थे, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि राष्ट्र पर यदि इस तरह की प्रवृत्ति होगी और वहां भी वो तटस्थ या प्रकारांतर से अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे तो देश की एकता अखंडता को। आप लेट से जागे, आपकी सरकार लेट से जागी, परमिशन नहीं दी, वो लोग वहां पहुंच गए, वहां एक बच्चे की हत्या हो जाती है, आप कहते हैं सारे लोग पकड़े गए हैं, आप कह रहे हैं वहां असला और बारूद इकट्ठा किया जा रहा था, आप इस पर थोड़ा सा, महेंद्रनाथ पांडे जी मुझे बताइए कहां पर असला और बारूद जो है इकट्ठा हो रहा था, क्या खबर है ये? जब ये घटना से जुड़े लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई तो ये तथ्य सामने आए, सारे के सारे उनके अवैध चीजें पकड़ी गई। पहले इनकी उपेक्षा कर देती थी सरकारें, पहले उत्तर प्रदेश के कई दंगे पिछले 14-15 वर्षों में हुए, ऐसे लोगों की अनदेखी कर देते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी गैरकानूनी कृत्य को फलने फूलने उत्तर प्रदेश में नहीं देगी। महेंद्र पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि असला और बारूद वहां पर पकड़ा गया है, सुनियोजित तरीके से वहां पर साजिश रची जा रही थी और एक बच्चे की हत्या कर दी गई वहां पर। आप ये कह रहे हैं कि आपने अब वो पर्दाफाश कर दिया, इसका हमें अफसोस है। हम इंतजार करेंगे कि वो किस खबर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कौन है वो लोग और क्या योजना बना रहे थे, या तो आप अभी हमें बता दीजिए या हम इंतजार करते हैं। नहीं, मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो आपसे माध्यम से कहना चाह रहे हैं प्रदेश को, देश को, समाज को, कि पहले भी ऐसे कृत्य हुए और उन कृत्यों पर सरकारों ने पर्दा डाला, अपराधियों को संरक्षण दिया। हमारी सरकार की निगाह में चाहे जिस समाज का अपराधी अपराधी है, वह कृत्य 48 घंटे में योगी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने करके दिखाया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। फिर वापस वही बात मैं कहूंगी, वो भी तब जब एक शख्स की मौत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पात्रा 40 सेकंड आपके बचे हुए थे, 40 सेकंड में पूरा कीजिए। देखिए रूबिका जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने ये प्रश्न पूछा कि 500 बाइक सवारी कैसे चले गए, मैं तो कहता हूं 500 क्या, अगर 5000 भी जाके भारत माता की जय कहते हैं तो किसी का अधिकार नहीं है कि गोली मार के चंदन गुप्ता या किसी को मार दे। कोई विषय अगर उठता है पुलिस में कंप्लेन लिखा है, मार देने का अधिकार तो किसी को नहीं है। दूसरी बड़ी बात उठती है कि ये सारे लोग जो अवार्ड वापस कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा महेंद्रनाथ पांडे जी ने, ये सब आज कहाँ है। तीसरी बड़ी बात है जो हेडलाइंस पेपर में आते थे, याद करिए, वन मुस्लिम टेकी इन पुणे किल्ड बाय 7 हिंदू गूंस, आज हेडलाइन आ रहा है वन पर्सन किल्ड इन कम्युनल राइट्स। इस प्रकार का चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्यों है आखिरकार? ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट, ठीक है, एक पॉइंट है वारिस पठान, जरा ये तो बताइए, जब अखबार पढ़ा जाता है तो हिंदू जब मरता है तो वन यूथ किल्ड, मुसलमान मरता है तो अब मुस्लिम बॉय किल्ड, क्यों सर? ये पक्षपात कब तक सहता रहेगा हिंदुस्तान? मुस्लिम की जान मुस्लिम है, अल्पसंख्यक की जान वाकई बहुत बड़ी है, और बाकी अगर कोई हिंदू मर जाए तो चुप्पी साथ लेनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए रूबिका जी, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 70 साल की आजादी के बाद आज हम इस विषय के ऊपर डिबेट करनी पड़ रही है कि कासगंज के अंदर रिपब्लिक डे का जो फंक्शन मनाया जा रहा था, कुछ मुसलमान लोगों ने चंदा इकट्ठा करके हमारे तिरंगे को लहराने के लिए फंक्शन लगा था, हमारे देश की शान आन बान तिरंगा उसको लहरा रहे थे, वहां पर एबीवीपी वाले लोग आते हैं, भगवा झंडा लेकर आते हैं और वहां पर प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाए जाते हैं के मुंह में गिलोरी बगल में पान, जाओ मुसलमान पाकिस्तान, ये प्रोवोकेटिव स्लोगन सुनने के लिए आजादी दी है हम लोगों ने। और उसके बाद ठीक है, चंदन की जो हत्या हुई उसका हमको खेद है, मगर साथ साथ में मंसूर जो अपनी बीवी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ जा रहा था गाड़ी में, उसकी भी आंख को फोड़ दिया गया, ये तो सब इंक्वायरी करेगी पुलिस। मगर राम नायक गवर्नर जी ने भी कहा कि ये एक कलंक है यूपी पे। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, आए दिन ये हो रहा है। और रूबिका जी ये एक ट्रेंड है,
आज बरेली के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जो एक्स आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा ये ट्रेंड है कि जाओ मुसलमानों के एरिया में इस तरह से वहां प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाओ और वायलेंट करो। 1994 कर्नाटका में भी इसी तरह का हुआ था, हुबली में, जहां पर 6 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये बीजेपी की सोची समझी एक साजिश है एबीवीपी वालों की, और इस तरह से ये वायलेंट इरप्ट करके पोलराइज करने की राजनीति चल रही है। मगर ये एक बहुत रॉन्ग सिग्नल जा रहा है पूरे देश विदेश में। पठान, मैं आपके घर पर आकर कितना भी आपको उकसाऊं, आप गोली चला देंगे मेरे ऊपर, आप मेरी हत्या कर देंगे। What do you mean by this? कोई कुछ भी करे, आप कानून हाथ में ले लेंगे और फिर कहेंगे कि बेचारा वो तो विक्टिम है जिसके जिसके मोहल्ले में पहुंच गए। और क्या इसमें उकसाने वाली बात थी? वंदे मातरम उकसाना है, भारत माता की जय उकसाना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद उकसाना है। अरे आप सब मिलते कहते पाकिस्तान मुर्दाबाद। तिवारी जी, क्या वजह थी उसी इलाके में जाने की? अभी आपने एक बात जहां शुरू की थी रूबिका, मैं वहीं शुरू करता हूं कि जो लोग रोहित बेमुला के उसमें हैदराबाद पहुंच जाते हैं, गौरी लंकेश के लिए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जेएनयू में एक सीडी बनती है और वो सीडी डॉक्ट्रिन करार दे दी जाती है, झूठी करार दे दी जाती है, वो लोग आनन फानन करने वाले लोग आज चंदन के पास नहीं गए। और दूसरी बात, ये घटना घटी क्यों? ये नहीं घट सकती थी, ये बच सकती थी, लेकिन पिछले 3.5-4 साल में ट्रेंड देख रहा हूं मैं कि जब वंदे मातरम, जब भारत माता की जय, जब तिरंगा इसकी बात होती है तो देश में एक बार इनका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है, और जो लोग इनका विरोध करते हैं उनके पक्ष में भी लोग खड़े हो जाते हैं। अगर ये पक्ष में खड़े होने वाले लोग इनके साथ नहीं खड़े होते तो आज कासगंज में चंदन जिंदा होता, चंदन जिंदा होता। और एक बड़ी बात, जो कलंक कलंक की बात करें, मैं भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में वो लोग जो वंदे मातरम बोलने पर, तिरंगा लेकर चलने पर गोली मार देते हैं, हत्या करते हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश पर कलंक हैं। और योगी सरकार ऐसे सारे देशद्रोहियों को, ऐसे जो कलंक है उत्तर प्रदेश को, ढूंढ के निकाल करके, और मुझे लगता है वो उनके साथ हर्ष करना चाहिए ताकि कभी भी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत ना पड़े। मैं कहता हूं रूबिका जी, ये ट्रेंड आज का नहीं है, 2014 से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटती थी, लेकिन ये मीडिया या तो उठा नहीं सकता था या उठा नहीं पाता था, लेकिन 2014 के बाद इस प्रकार की घटनाएं जनता के सामने आई हैं। और वो तिवारी जी, आपका टाइम ओवर हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, उस इलाके में आप गए क्यों, क्या वजह थी, जबकि आपको मालूम था सेंसिटिव इलाका है, आपको परमिशन नहीं दी गई थी सरकार की तरफ से, फिर वहां पर आप क्यों पहुंचे, क्या वजह? रूबिका, 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन जब राष्ट्रीय ध्वज लेकर के आप कहीं जाते हैं तो कोई भी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात मैं कहता हूं, इस देश के जो कह रहे थे आप उकसा रहे थे हैं कि मुल्लो तुम्हें छोड़कर जाना होगा पाकिस्तान, ये कौन उकसा रहा था? एक मिनट, उन लोगों के लिए इस देश में दो वर्ग हैं, एक वो वर्ग है जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, जाकिर नाइक के साथ खड़ा होता है, एक वर्ग वो है, हमारे एक वर्ग वो है जो एपीजे कलाम के साथ खड़ा होता है। मैं भी कहता हूँ जो जाकिर नाइक और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं उनको देश को छोड़कर जाना चाहिए, भगा देना चाहिए लोगों को। एक सेकंड तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं कि कासगंज में एक एक आदमी जो बैठा हुआ है वो पाकिस्तान समर्थक है? मैंने कहा मैंने ये कहा कि दो प्रकार के लोग हैं। नहीं, आप उनको क्या कहेंगे जो तिरंगा लेकर चलने वाले पर गोली चलाता है उसकी हत्या कर देते हैं, उसको भारत से सीखना पड़ेगा, उसको राष्ट्रवादी लहरा रहे हैं आप भेज रहे हो पाकिस्तान, और जो भगवा लहरा रहे थे उनको कहां भेजने वाले हो आप? तिरंगा लहराने वाले को पाकिस्तान भेजेंगे और भगवा लहराने वाले को कहां भेजेंगे आप? रुक जाइए बारिश पठान, भगवा इस देश की शान है पठान साहब, वो पाकिस्तान का तिरंगा नहीं है। हिंदू परिषद से भी मैं कहूंगी और AIMIM से भी कहूंगी, ताल ठोके में बांटने की सियासत किसी कीमत पर नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं। तर्क पर बात कीजिए, लॉजिक पर बात कीजिए। राजकुमार भाटी साहब, आप लोग भी तो चुप हैं सर, क्यों? नहीं, हम बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, स्टैंड लीजिए। पहली बात तो आपका ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हम चुप हैं या कोई और चुप है। चंदन गुप्ता की मृत्यु का सबको दुख है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही ये बयान दे दिया था कि उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट की और चंदन गुप्ता के परिवार की आर्थिक मदद की जाए और दोषियों को सजा दी जाए, नंबर एक बात। नंबर दो, 26 जनवरी की घटना के बाद 4 दिन तक लगातार बीजेपी RSS से जुड़े संगठन और मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं और झूठी उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं, धीरे धीरे सच्चाई सामने आ चुकी है। सच्चाई ये है
कि ना तो किसी ने तिरंगा यात्रा का विरोध कासगंज में किया था, ना किसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, ना वहां पर कोई देशभक्ति के नारे मोटरसाइकिल सवार लगा रहे थे, ये धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे थे हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ। दूसरी बात, डीएम का बयान खुद आरपी सिंह जी जो वहां के डीएम हैं उनका बयान टीवी चैनलों पर चला है, उन्होंने कहा कि पहले जब झगड़ा हुआ वो लोग भी तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे थे, मुस्लिम लोग भी अब्दुल हमीद तिराहे पर, और ये मोटरसाइकिल पर सवार लोग गए, इनके बीच झगड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल सवार वापस चले आए, बाहर जाके दोबारा इकट्ठे हुए, वहां से असले लिए, हाथों में ईंट पत्थर लिए और इन्होंने जाके दोबारा वहां पे हमला किया है। तब दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, डीएम को मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं, डीएम ने कहा दोनों तरफ से गोलियां लगी हैं चली हैं, उधर भी एक लड़के नौसाद को गोली लगी है, इधर भी चंदन को गोली लगी है, और डीएम ने यह भी कहा कि अभी हमें यह पता नहीं है कि चंदन को किसकी गोली लगी है, ये डीएम ने कहा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है पाकिस्तानियों ने मार दिया, देशद्रोहियों ने मार दिया, मुसलमानों ने मार दिया, इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? बागी साहब, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप बगैर होमवर्क के आए हैं, आप इस तरीके की गलत बातें ऑन एयर नहीं कह सकते। मैंने कोई बात गलत नहीं कही है रूबिका जी, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जिम्मेदारी के साथ कही है, तथ्य के साथ कही है। डीएम ने अपना बयान वापस ले लिया है, जांच अभी चल रही है। मैं डीएम का बयान कोट कर रहा हूँ, चैनल का नाम बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग उठाकर सुन सकती है। वो तस्वीरें दिखाएं जरा, राजकुमार भाटी साहब को ये तस्वीरें दिखाएं, रेड की असला और बारूद सुनियोजित तरीके से वहां पर कोई प्लानिंग चल रही थी, बोल दीजिए उनके लिए कुछ जो नहीं सुनियोजित तरीके देखे, सुनियोजित तरीके से जो इकट्ठा होकर जाता है उसकी योजना होती है, जो लोग अपने घरों पर बैठे हैं उन्हें क्या सुनियोजित था? योजना है उनके तहत तो कार्रवाई होगी, हम तो सवाल लोगों को क्या पता था कि यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं झगड़ा करने वाले हैं, सवाल कर रहा है पर आपका मौन क्यों है? कौन सी वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि आप चुप हो रहे हैं? हम कतई मौन नहीं है, देश के किसी मुद्दे पे हम मौन नहीं रहते हैं, हम देश के साथ हैं, तिरंगे के साथ, तिरंगे के लिए हमने खून बहाया है, कोई अरे भारत माता की जय बोलने वाले हम लोग हैं, हमने देश की आजादी के लिए खून बहाया, जेलें काटी है हमने, हमने जेलें काटी है, हमने देश की आजादी के लिए खून बहाया और आज भी बहाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन तिरंगे के नाम पे गुंडागर्दी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, तिरंगे के नाम पे सांप्रदायिक उन्माद फैलाना और गुंडागर्दी करना इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, अरे हम बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, इस बात पर फोकस करेंगे कि वहां पर तो उन्माद फैलाने के लिए गए थे, अरे 20 साल का एक लड़का मर गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, बोल दीजिए 10 शब्द उसके लिए बोल दीजिए सर। मैं तिरंगा हाथ में लेके चलूं कहीं भी गुंडागर्दी करूं मुझे इसकी छूट मिल जाएगी? पर यहां जान की वो नहीं होती है कीमत, के हिंदू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं है, जो मरा है वो दुखद है, जिसकी भी हत्या हुई है दुखद है। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्यों ये बात सच्चाई से कहने में लोग कतराते हैं? हिंदू मरा तो उसकी जान नहीं है? देखिए रूबिका, मुझे घड़ी नजर नहीं आ रही है, हिंदुस्तान में 1961 में पहला बड़ा दंगा हुआ था आजादी के बाद जबलपुर में, और उसके बाद आखिरी हुआ मुजफ्फरनगर में। दंगों का एक ट्रेंड हुआ करता था, या तो कभी ऐसा होता था किसी लड़के ने किसी लड़की का कोई बलात्कार हो गया या लड़की को लेके भाग गया, दंगे हुआ करते थे, धर्म के नाम पर दंगे होते थे। ये एक न्यू लो है हमारी देश का कि अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी दंगे होंगे, ये एक न्यू लो है कम्युनल हारमोनी का। अब वो हिसाब होगा कि आने वाले 15 अगस्त को, मैं आपको बताऊं, पुलिस वैसे सतर्क होगी जैसे मुहर्रम में सतर्क हुआ करती थी, और चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी कि भारत माता की जय या वंदे मातरम पर कहीं रॉयट ना हो जाए। दूसरी चीज, अगर आप उठा के देखें तो ये कोई वंदे मातरम से भी कोई लेना देना नहीं है, ना ये तिरंगे का है। हकीकत बोलूंगा, ये मुसलमान की जिद की लड़ाई है हिंदू राष्ट्रवाद से, ये साफ बता रहा हूं मैं आपको, इसका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है, और ये लड़ाई आने वाले वक्त में बढ़ेगी जब तक इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं होगी और एक ईमानदारी से मेहनत नहीं होगी। आप टीवी स्क्रीन ब्लैंक कर दीजिए, हम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बयान सुन के बता देंगे कि आदमी हिंदू मरा है या मुसलमान मरा है। आजकल इस देश में मौत का भी मजहब हो गया है और आंसुओं के भी मजहब हो गए हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हम लोगों को राजनीति से उठकर रूबिका इस समस्या का ठीक है सर, अब असल डिबेट शुरू होती है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि एक दूसरे के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश ना करें, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, ये मुद्दा इसलिए आज संवेदनशील हो जाता है। अनिवार्य है, कुछ बातें गलत कहा गया है। क्या है डॉक्टर पात्रा, कौन सी बातें गलत है ये बताइए रूबिका जी। अभी समाजवाद
मैं बताता हूँ, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं जाना चाहिए। जो डीएम की बात अभी यहाँ कही गई, कल जिस चैनल में डीएम मौजूद थे उसी चैनल पे डिबेट पे मैं भी मौजूद था। एक एक बात मैंने डीएम आरपी सिंह की सुनी है, मैं आपको बिल्कुल शब्दशः बता देता हूँ डीएम ने क्या कहा। देखिए, जो डीएम ने कहा वही मैं कोट करके कह रहा हूँ। अभी भाटी साहब ने कहा कि डीएम ने कहा कि दोनों तरफों से गोली चली, बिल्कुल नहीं। डीएम ने कहा एक घर के छत पर से गोली चली और वो घर मुसलमान का था। मेरे शब्द नहीं है, डीएम के शब्द है। जब उनसे पूछा गया कि क्या दूसरी तरफ से गोली चली, उन्होंने कहा मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि दूसरी तरफ से गोली चली या नहीं, वो उसकी अभी जांच चल रही है, मगर मुसलमान के छत पर से गोली चली थी, ये डीएम ने कहा। दूसरी बड़ी बात है, बार बार ये डीएम ने कहा था, देखने से ये लगता है कि गोली ऊपर से चली है। डीएम ने ये नहीं कहा था, आप गलत बोल रहे हैं। आप भी डीएम ने कहा देखने से ऐसा लगता है कि गोली ऊपर से चली है और सामने मुसलमान का घर था, इसलिए हमें लगता है कि उसी घर से गोली चली है। उन्होंने संदेह जाहिर किया, संदेह जाहिर किया। हमने कोई लाइन नहीं हटाई, यही तो सवाल है। हमने कोई लाइन नहीं हटाई और डीएम ने ये भी माना कि इस पक्ष से गोली चली है। मुसलमान कैसे हो गया, वो तो क्रिमिनल हुआ ना सर। पता था, फिर भी मैंने नहीं कहा, डीएम ने कहा है। ये मैंने नहीं कहा, डर क्यों रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, आप कहने से डर क्यों रहे हैं? अगर मुसलमान के घर से गोली चली है, देखिए सुनिए, एंकर ने पूछा कि आप ये बता सकते हैं गोली किसने मारी? सुनिए, एंकर ने पूछा, सवाल पूछा एंकर ने कि गोली किसने मारी? डीएम ने कहा अभी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे गोली किसने मारी। बिल्कुल ऐसा, डीएम ने खुद कहा। संबित पात्रा, ईमानदारी से बता दें, आपने यहाँ झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार जी, मैंने बिल्कुल अभी आपके झूठ, मैंने आपके झूठ को यहाँ दिखाया अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने कहा। डॉक्टर साहब, डीएम ने अब ईमानदारी से बताया, डीएम ने कहा या नहीं कहा कि हमें नहीं पता गोली किसने चलाई? डीएम की, डीएम ने कहा या नहीं कहा? अब दूसरी बात, कल 6 बजे मैंने आपको बता दिया, आप खुद जाके डीएम के विषय को सुनिए। आपने अभी झूठ बोला, मैंने सुना, मैं पूरी बहस सुन रहा था। बार बार ये मुसलमान इलाका क्या होता है, हमने तो कोई शब्द नहीं कहा। मुसलमान इलाका क्या होता है, क्या सुन लीजिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिबेट में बोल रहा हूँ। और जिस प्रकार कुछ डिजाइनर पत्रकार दूसरी जगह से ये बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि मुसलमान इलाके में जाकर आप ऑथराइज तरीके से रैली क्यों कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में मुसलमान इलाका या हिंदुस्तान इलाका क्या होता है? सर मुझे ये बताइए, नहीं बताया। देखिए यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर ये लोग ये झूठ करने में लगे हैं कि हिंदू भी गोली चलाया है, करने में लगे हैं। इस धागे को मजबूत करना है, कच्चा नहीं करना है। डॉक्टर पात्रा मुझे ये बताइए, हिंदुओं ने गोली चलाई? डॉक्टर पात्रा मुझे ये बताइए, एक सेकंड प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर पात्रा मुझे ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती है ना, सेंसिटिव इलाके अगर नहीं होते, हिंदू मुस्लिम इलाके नहीं होते, तो फिर तो ऐशो आराम से हम सब घूम रहे होते। प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, वो इलाका सेंसिटिव था, इसीलिए तो आप लोगों ने परमिशन नहीं दी थी। भगवा झंडा क्यों फहरा रहे हैं? अरे सर, भगवे से किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मुसलमानों के घर में भगवा झंडा क्यों फहरा रहे हैं? अरे फिर तो फिर कोई हरा झंडा देखेगा तो फौरन गोली मार देनी चाहिए उसको। मैं जवाब देता हूं, झगड़े में नहीं लगी रूबिका जी, ये भी समझ लीजिए, बात है ना सर, गोली उस झगड़े में नहीं लगी, झंडे के में दोबारा गए, दोबारा हमला हुआ रूबिका, दोबारा में गोली लगी। यहाँ पुलिस की नाकामी है डॉक्टर। राजकुमार जी बीच में नहीं बोलिए, राजकुमार जी एक सेकंड, रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप अभी अपने ही इस टेप को रिवाइंड करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी का स्टैंड। मैं आपको बताता हूँ राजकुमार जी ने क्या कहा। राजकुमार जी ने कहा, डीएम ने कहा है अभी गोली किसकी लगी है चंदन को, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, यह भी पता नहीं। ये झूठ की जो पुलिंदे यहाँ बांध, 100% डीएम ने कहा है, 100% ये कहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी बात पे कायम हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सबको पता है, मत जाइए ना, पता है, सबको पता है। लो एंड ऑर्डर को रूबिका जी, आप जो कह रही है, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुनिए सुनिए रूबिका जी, सेंसिटिव इलाका है क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मेरे मुस्लिम भाई अगर किसी इलाके में रहते हैं, क्या तिरंगा लेकर अगर 500 हिंदू जवान वहां चला जाता है तो वहां गोली चल जाएंगी रूबिका जी? इस बात पर गोली नहीं चली है डॉक्टर साहब, इस बात पर गोली नहीं चली है। किसी भी बात पर गोली कैसे चल गई राजकुमार भाटी साहब? रोज किसी भी बात पर गोली कैसे चल गई? तिरंगा यात्रा से जोड़ा जा रहा है आपको, तिरंगे के खिलाफ गोली नहीं चली है? तिरंगे के खिलाफ गोली नहीं चली, तिरंगे का अपमान नहीं किया गया? किस हैसियत से गोली चलाएंगे आप? तिरंगे का अपमान नहीं किया गया? कंप्लीट करने दीजिए, वो लोग भी तिरंगा फहरा रहे थे। अरे
अरे मौलाना साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जवाब नहीं दे पाएंगे इनकी है। यूपी में क्या हो रहा है आज का आप न्यूज देखिए रूबिका जी, एक महिला जो गर्भवती थी उसको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दिया। वहाँ ये 500 बाइक सवार वंदे मातरम कह रहे थे, वहाँ कासगंज के इलाके में क्या मुसलमान नीचे आकर वंदे मातरम उनके साथ नहीं बोल सकता था? क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकता था? बॉर्डर था, गोली चलाने की क्या गोली चलाने की क्या वहाँ के मुसलमान लोग तिरंगा लहरा रहे थे और ये 500 बाइक सवार को इजाजत नहीं दी गई कि वो चले गए वहाँ पर भगवा झंडा लेकर और ये कहा कि आपको यहाँ नहीं रहना तो पाकिस्तान चले जाइए। वंदे मातरम अगर आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ तो क्या वारिस पठान वहां जाकर वंदे मातरम नहीं बोल सकते? उनको लगेगा हाय हाय मेरे दिल पर चोट कर दी। तो क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल रहे थे? सुनिए क्या वो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल रहे थे? वो तिरंगा नहीं लहरा रहे थे? अरे वो तो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे। गोली चलाकर रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन वारिस पठान, गोली चलाकर, गोली चलाकर रिपब्लिक डे का, वारिस पठान गोली चलाकर रिपब्लिक डे का जश्न मना रहे थे और वो तिरंगा लहरा रहे थे। डॉक्टर रिजवान, अरे गोली किसने चलाई आपको पता है? किसने चलाई? मुझे बोलने दीजिए। किसने चलाई? मंसूर की आग फोड़ दी किसने? पत्थर मारा? रूबिका जो चंदन चंदन की मृत्यु हुई है, जिस चंदन को गोली मारी गई है रूबिका, उसको हम वापस नहीं ला सकते। मैंने अपनी पहली बाइट में भी यही बात बोली थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलके ये कोशिश करें कि 15 अगस्त जो आने वाली है उसमें कोई चंदन ना मरे, उसमें कोई चांद ना मरे। आप लोगों को राजनीति करना बंद करना होगा। कोई मंसूर को आग फूटे, राजनीति करना बंद करना होगा। ना किसी मंसूर की आग फूटे, ना कोई वहां पर जाकर फोर्स में ये कहे कि ना वहां कोई जाकर हमारा नेशनलिज्म ललकारे, ना कोई वहां जाकर हमारी पेट्रियटिज्म को ललकारे। रिजवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर ये चंदन खान होता, ये चंदन वेमुला होता, ये चंदन अगर किसी और मजहब का होता और हिंदू ना होता, तब आप लोग सब एक सुर में बात कर रहे होते। ये क्या हो रहा? तब एक सुर में बात कर रहे होते आप, नहीं प्रेमचंद मिश्रा जी? रूबिका, रूबिका, तब माहौल बिल्कुल अलग होता। देखिए रूबिका, रूबिका प्लीज सुनिए, सुन लीजिए, ये गलत डाइवर्ट हो रहा है डिबेट। सच्चाई को गलत तरीके से मत परोसा। ये जब तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को नहीं चेंज करेंगे केस को सही डाइवर्ट हो रहा था, इसमें गलत कैसे डाइवर्ट हो गया? आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जुनैद आपसे सही डाइवर्ट हो रहा था, इसमें गलत कैसे हो गया? एक तरफा बात में तो सही डाइवर्ट हो रहा था, इसमें गलत कैसे हो गया? डॉक्टर पात्रा सुनते हैं एक सेकंड। हां, क्या क्या प्रेम मिश्रा जी, क्या डाइवर्ट हो रहा है? जी जी, जो यहां परोसा जा रहा है मुझे ये बताइए। ये सेंसिटिव इश्यू है, सेंसिटिव इश्यू है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक तरफा बात को नहीं नहीं परोसिए, मीडिया को भी बहुत जिम्मेदारी सेंसिटिव नहीं था। अगर कोई 26 जनवरी का उत्सव मना रहा है, झंडोत्तोलन कर रहा है, आप उसे पाकिस्तानी बताओगे? इससे खतरनाक बात नहीं हो सकता है। प्रेमचंद मिश्रा जी, तो आप गोली मार देंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, उसको क्या बताएंगे? जी पाकिस्तान तो सीधे सीधे का दुश्मन है, सीधे सीधे का, उससे बच सकते हैं, लेकिन जो घर में बैठे हुए दुश्मन है उनसे कैसे बचोगे? मिश्रा जी, ये पाकिस्तान तो सीधे सीधे दुश्मन है, उसे बच लेते हैं, लेकिन इन दुश्मनों से कैसे बचोगे? आप जो तिरंगा पर गोली चलाते हैं, सुनिए, सुन रहा हूँ, सुनिए, आप उनका बचाव करते हैं? 52 साल तक हमारे देश को आग लगाना चाह रही नहीं। अरे आपके गवर्नर आग लगा चुके हैं, आग तो लगा चुके हैं, आप उनको बचा करके हत्यारों को बचाने पर आप आग लगाते हैं, हत्यारों को बचाते हैं आप हत्यारों के साथ खड़े होना बंद कर दीजिए, आग लगना बंद हो जाएगी। आग तब लगती है हत्यारों के साथ खड़े होते हैं, हत्यारों को बचाते हैं आप। आपके गवर्नर का अपमान है, 52 साल तक कलंक है, बिल्कुल वो लोग कलंक है, वो लोग कलंक है जो तिरंगा यात्रा पर, जो तिरंगा यात्रा पर गोली चलाते हैं, वो लोग कलंक है उत्तर प्रदेश पर। ये स्वीकार करिए आप, अपने गवर्नर से ये स्वीकार करिए आप, कलंक है ना, मैं बता दूं कलंक है, कलंक है। अरे मिश्रा जी, जैसे पाकिस्तान भारत को दुनिया भर में बदनाम करता घूमता है कि भारत हमारे ऊपर गोली चलाता है, वैसे ही आप लोग हिंदुओं को बदनाम करते हैं। बात सुनिए, अरे सच्चाई सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों,
दो मिनट दे रही हूँ आपको, एक एक करके एक दूसरे की बात रखिए। आप मुझे बोलने दीजिए, ये देश को आग लगाने वाले लोग गुंडागर्दी चैनल में आके आप मिश्रा जी बिल्कुल ठीक बोलिए, हम बिल्कुल नहीं टोकेंगे, झूठ मत बोलिए, हम बिल्कुल नहीं टोकेंगे। आग लगा रखा है देश को, जो लोग झंडा जो तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे हो उसे पाकिस्तानी कहते हो, जो तिरंगा वाले गोली मारेगा उसको बोलने भी नहीं देंगे, जो गोली मारने के साथ खड़ा होगा उसको बोलने भी नहीं देंगे, मिश्रा जी जो गोली मारने वाले के साथ खड़ा होगा उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है, उसको पकड़ो ना, आप उसको बचा रहे हैं, गोली मारने वाले को बचा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि पता नहीं है, लेकिन आप तो सीधा सीधा उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है, जेएनयू में जाकर, जेएनयू में जाकर राहुल बाबा आतंकवादियों को बचाने काम करते हैं। एक सेकंड, मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को गोली मरवा दिया, बात करते हैं यहां बैठ के, प्रेमचंद मिश्रा जी मैं यहाँ बैठ कर मानता रखती हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं मानता रखती हूँ ये कहने का, जो गलत है वो गलत है, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स को साइड में रखिए, मुझे ये बताइए चंदन गुप्ता, लिसन टू मी प्रेमचंद मिश्रा जी, लिसन टू मी वंस, नहीं आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रही हूँ, पिछले पांच मिनट से आप ही को बोलने दे रही हूँ सर, मैं पिछले पांच मिनट से सिर्फ आपको बोलने दे रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात, चार चार बीजेपी के लोग हल्ला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कौन कौन, चार चार बीजेपी के लोग हैं, कौन बीजेपी के लोग हैं बताइए, कौन बीजेपी के, वारिस पठान बीजेपी के हैं, डॉक्टर रिजवान बीजेपी के हैं, महेंद्र पांडे कौन है, बाटी साहब बीजेपी के हैं, कौन थे समित पात्रा, कौन है, कितना टाइम रहे महेंद्र पांडे हमारे साथ, और मैं इस डिबेट पर ये कितने लोग हैं कि नहीं नहीं किस तरीके से डिबेट हो रही है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकती, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, उत्तर प्रदेश के इंटरेस्ट में क्या, जहाँ से बंदूक चली है, सुनिए सर, मुझे सुनिए, आप भी सुनिए, मैं बहुत काम किया आपसे सवाल पूछे, काम डाउन फर्स्ट, काम डाउन सर, काम डाउन, काम डाउन प्रेमचंद मिश्रा जी, काम डाउन, किसी किसी एक एक रूबिका सुनिए सुनिए, मैं काम डाउन की बात कर रहा हूँ, सच्चाई ये नहीं है जो यहाँ परोसा जा रहा है, सच्चाई है, मैंने अभी डीएम को सुना था, डीएम ने कहा कि मुझे वहां लोगों ने से जो जानकारी मिली, मैं आप डीएम के रिकॉर्ड को निकाल के सुनवाइए यहाँ पर, मैं था उस डिबेट में, ऐसे डीएम ने कहा, मैं खुद उस डिबेट में मौजूद था, आप डीएम को फोन करिए, डीएम को फोन करिए, मैं कर रही हूँ पॉलिटिक्स, लेकिन आपने गवर्नमेंट केस के मामले में पॉलिटिक्स किया, आप देख रही हूँ की तरफ बयान कहा सुन लिया है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ से गोली चली है, न्यूज अभी डीएम को फोन ट्राई कर रहे हैं, हम चंदन को लाइव डिबेट में बिल्कुल नहीं, आप अपनी तरफ से गोली चली है, अपनी तरफ से बयान को मत मोड़िए, उन लोगों पर आपने अटैक किया, हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, हिंदुओं को खराब कहेंगे, यही काम ये कांग्रेस के लोग करते रहते हैं, चंदन को गुंडा जी बता दिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, तिरंगा हाथ में, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहने का रिपोर्ट दिया, अरे वो आरके सिंह मोदी का जनेऊ मिनिस्टर बना हुआ, ये टेम्पररी जनेऊ, आरके सिंह मिनिस्टर, टेम्पररी जनेऊ पहन के, अरे आरके सिंह जी कह रहे थे, या आरके सिंह जी कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहा था आतंकवाद, राहुल गांधी, सुशील कुमार शर्मा जी, चिदंबरम ये कह रहे थे, संतों को आतंकवादी भी आपने बनाया, जो कभी आतंकवादी नहीं बने, जो संतों को दुनिया की कोई ताकत आतंकवादी नहीं बता सकी, कांग्रेस ने जिसका जी आपके आतंकवादी बनाकर खड़ा कर दिया, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है, यानी भारत के संतों को, हिंदू को, हिंदू आतंकवाद करने का सामने खड़ा कर दिया, जो कश्मीर आपने की, आपके नेताओं ने की, आपके नेताओं ने की, मैं आप तीनों की आवाज बंद कर देश को, मैं आप तीनों की आवाज बंद कर देश को, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता, क्या मतलब सर, आज तो बहुत खून उबल रहा है प्रेमचंद मिश्रा जी आपका, बहुत खून उबल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है डीएम ने जो बात बोली है वो ऐसे नहीं बोली है कि मुसलमान के घर से गोली चली कि नहीं चली, हाँ हमें नहीं पता है कि किसने गोली चलाई है, लेकिन कुछ चीजें जो सामने दिख रही है उस पर तो बोलिए ना, खुलकर बोलिए, अरे कोई आपको उकसाएगा तो आप गोली चला देंगे और फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, प्रेमचंद मिश्रा जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, चंदन गुप्ता जिसकी मौत हुई है वो विक्टिम है या जिसने गोली चलाई है वो विक्टिम है, कौन विक्टिम है प्रेमचंद मिश्रा जी, जिसने जिसने भी गोली चलाई है उसको पकड़ के बंद करिए, कौन कहता है इसको बचाने के लिए, जिसने जिसने भी गोली चलाई है वो अपराधी है, उसको बंद करिए, लेकिन जो तिरंगा झंडा लहरा रहे थे वहां पर, जो गुंडागर्दी करने गए वहां पर जाके मार किया, वो कौन लोग थे,
आप उनको गुंडा कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई जांच की रिपोर्ट नहीं है, बिना जांच की रिपोर्ट के फैलाने वालों को गुंडा कैसे कह सकते हैं? अभी आप कह रहे थे भगवा भगवा, हमने सदरी पहनी है, केजरीवाल साहब ने कोट पहना है, इन्होंने इन्होंने स्वेटर पहना है, आप हमें गोली मार देंगे अगर भगवा पहनकर चलते हैं, गोली मार देंगे, उसका समर्थन करेंगे, भगवा भगवा पहन करके जाने वाले को गोली मार देंगे, उसका समर्थन करेंगे। तिवारी जी एक सेकंड, डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, से देश को आजाद करेगा जी, मिश्रा जी बहुत मुश्किल से देश का बंटा ढा कर लिया आपने, देश का बंटा ढा कर लिया, समाज आजाद कर रहा है, मैं आवाज बंद कर रही हूं। तीन तस्वीरें चल रही है, वसीम सलीम और एक और शख्स जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, प्रेमचंद मिश्रा जी, राजकुमार भाटी जी, ये रहे ये तीन लोग जिनके ऊपर आरोप है, नसीम वसीम और सलीम, जिस इलाके में गोली लगी है वो इलाका भी आप अच्छे से जानते हैं। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, फिर गलत बोल रही हैं आप, फिर गलत बोल रही हैं रूबिका, चंदन गुप्ता को एक गोली लगी है, एक हथियार से चलाई गई होगी, एक व्यक्ति ने चलाई होगी, तीनों को अपराधी नहीं बताया गया, डीएम ने कहा इनके बारे में, लोगों ने कहा मैं इनकी तलाश कर रहा हूँ, आप गलत चीज क्यों बार बार बोल रही हैं? वो लड़के यही तो बदनसीबी है, यही चीज तो और ज्यादा मुसलमानों को परेशान करती है, आप लोग उनके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का नुकसान सबसे ज्यादा कर बैठते हैं, ये जोगी सरकार का डीएम बीजेपी का पक्ष यहाँ आना चाहिए, 10 मिनट से मैं कांग्रेस को सुन रहा हूँ, बीजेपी का पक्ष यहाँ आना चाहिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, रूबिका जी 10 मिनट से मैं कांग्रेस को सुन रहा हूँ, मुझे प्लीज 10 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए, आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ हिंदू तिरंगा उठाते हैं, टीवी तिरंगा नहीं उठाते हैं, रूबिका आप ये बोल रहे हैं तिवारी जी, रूबिका मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत में दो प्रकार के लोग हैं, जो एपीजे कलाम को पूछते हैं, एक बुरहान वानी को पूछते हैं, बुरहान वानी लोगों का समर्थन हम नहीं कर सकते, उनको पाकिस्तानी जैसा ही बोलते हैं, लेकिन जो लोग एपीजे कलाम जैसे मुस्लिम हैं, देश के देश भक्त हैं, बीजेपी को मौका दीजिए, रिजवान साहब का आदर करते हैं, रिजवान साहब का आदर करते हैं, रिजवान साहब का आदर करते हैं, मैं बीजेपी वहां पर पत्थरबाजी से केस वापस ले रही है, मैं जिम्मेदार हूं, जो लोग गोली चलाने वालों के साथ खड़े हो सकते हैं, जो गोली चलाने वालों के साथ खड़े हो सकते हैं जिम्मेवार नहीं हो सकते, किसी भी हालत नहीं हो सकते, जो मुसलमान तिरंगा फहरा रहे थे उन्हें आप किस श्रेणी में गिनते हैं, उनके ऊपर क्यों हमला किया गया, मैं एपीजे कलाम के साथ खड़े होने का झगड़ा किया गया, मैं कहूंगा कासगंज में जो मुस्लिम लोग तिरंगा फहरा रहे थे, गणतंत्र दिवस मना रहे थे, बाकायदा उनके ऊपर हमला किया, बीजेपी उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, बताइए वो आपका डॉक्ट्रिन है, वो आपका मनगढ़ंत है, केवल उन हत्यारों को बचाने की दुनिया कह रही है, हत्यारों के बचाने की स्क्रिप्ट है आपकी, स्क्रिप्ट है आपकी, ओके सर, ओके, शांति से वेट कर रहा हूँ, डॉक्टर पात्रा मुझे ये लोग शांत होंगे तब, के पास भी जाना है सर, प्लीज जल्दी, अरे पात्रा जी मानिए तो सही कि आपकी जो सरकार है योगी सरकार यूपी में टोटली फेल हो चुकी है, इस बात को मानिए और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता से बात करना चाहता हूँ, बोलिए आप तो 53 साल तक हमारे साथ वो लहराया और आपको का पार्टीफिकेट देंगे, रूबिका जी प्लीज आप एक्सेप्ट तो करिए, योगी सरकार फेल हो चुकी है यूपी में, रूबिका जी प्लीज मैं बोल सकता हूँ, दुकान जला दी उसके बारे में क्या रिपोर्ट है आपके पास, मुसलमानों की जो दुकानें जला दी गई, मैं आपके बारे में क्या रिपोर्ट है रूबिका जी, आपके रूबिका जी प्लीज, आप भी खाई पैदा करते हैं, डॉक्टर पात्रा 30 सेकंड्स, रूबिका जी तिरंगा अपनाने के लिए पात्रा जी बहुत, ये जो जयचंद बैठे हैं यहाँ पर इसके कारण हिंदुस्तान टूटता रहा है, आज चंदन गुप्ता को यहाँ इन जयचंदों ने गुंडा प्रूफ करने की कोशिश की है, ये जो जयचंद समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का जयचंद बैठा है इसने चंदन गुप्ता को गुंडा कहा, और ये पाकिस्तान के समर्थकों को बचाने के लिए इन जयचंदों ने, जयचंद जयचंद तुम जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान टूटा है, जो गोली जयचंद आप दोनों जयचंद हैं,
जयचंद है। आपसे आपको जयचंद बुलाऊंगा। आपने चंदन गुप्ता को गुंडा बोला, आपने चंदन गुप्ता को गुंडा बोला, आपने चंदन गुप्ता को गुंडा बोला और गोली मारने वाले को देशभक्त बोले हैं और जयचंद है। देश को इन जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। आपने गुंडा कहा है, मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। आपने गुंडा कहा है, नाम लीजिए किसने कहा। आप अपने सीडी निकालिए। मैं बोलता हूँ ना, तिरंगा तिरंगा पकड़ के, तिरंगा पकड़ के जो गुंडे गए थे उसका अर्थ क्या है? तिरंगा पकड़ के जो गुंडे वहाँ उस इलाके में गए थे किसको कहा गया बताइए रूबिका जी, किसको कहा गया? तिरंगा पकड़ के जो चंदन गया था, तिरंगा पकड़ के जो गुंडे गए थे, आपने चंदन को गुंडा कह दिया। यहाँ पर ये जयचंदों को मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान जवाब देगा जयचंदों को। किसको जयचंद कह रहे हैं बताइए? जयचंदो हिंदुस्तान जवाब देगा जयचंदो को। ये दोनों जयचंदो जयचंद को बैठे हैं, ये देश को बेचने का काम करने वाले जयचंद है। डॉक्टर पात्रा, आपके जयचंद कहने से वहाँ पर माहौल ठीक हो जाएगा? मैं इनको जयचंद बोलता हूँ। एक ही चीज पूछती हूँ डिबेट में, रुक जाइए सर। इन्होंने चंदन गुप्ता को गुंडा कैसे कह दिया? अरे इन्होंने ये माफी मांगे। अरे सर ये माफी मांगे, ये चंदन गुप्ता को गुंडा कैसे कह दिया? माफी मंगवाइए इनसे। बीजेपी ये चंदन गुप्ता गुंडा था क्या? चंदन गुप्ता गुंडा नहीं, कुछ नहीं जानता। चंदन गुप्ता को गुंडा कहने की हिमाकत कैसे की? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चंदन गुप्ता को इस शो में गुंडा कहा गया? नहीं, चंदन गुप्ता गुंडा नहीं था। डॉक्टर रिजवान, जाते जाते आपसे मैं एक कंक्लूजन वाली लाइन चाहती हूँ। डॉक्टर रिजवान, रूबिका देखिए, एज अ क्रिमिनल लॉयर मैं आपको बताऊं कि अगर गोली छत से चली है और अभी तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि ये हिंदू बच्चे उस घर को जला रहे थे या घर में दरवाजा तोड़ के घुस रहे थे, तो एज अ लॉयर मेरा ये मानना है कि गोली ये वक्त से पहले चल गई है। सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में इसको नहीं पढ़ा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर देश का एक मेजॉरिटी रिलीजन होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है और मेजॉरिटी कल्चर होता है। माइनॉरिटी को उस कल्चर के साथ कंपैटिबल होके चलना पड़ता है। अगर माइनॉरिटी नहीं चलेगी तो कम्युनलिज्म बढ़ेगा, जिससे नुकसान ज़्यादा माइनॉरिटी का ही होगा। मेरे कौम से ये गुजारिश है कि इस देश के आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ रहो, वरना मुख्यधारा से अलग हट जाओगे।